प्रभास अपने फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। इस बीच उनके एक और फिल्म के रिलीज की तैयारियां शुरू हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सालार की, जिसका निर्देशन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले KGF चैप्टर 2 फेम डायरेक्टर प्रशांत नील कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म से साउथ इंडियन स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और इसमें वह काफी दमदार अवतार में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी होमले फिल्म्स ने पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन पर उनका फर्स्ट लुक शेयर किया है। प्रोडक्शन हाउस ने पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, सलार से वर्धा राजा पैरेलल मेन स्ट्रीम आर्ट हाउस या कमर्शियल, उन्होंने हमेशा मनोरंजक और आकर्षक एक्टिंग के साथ संतुलन बनाए रखा है। साउथ के वर्सटाइल एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि लोगों को पृथ्वीराज का लुक बेहद पसंद आ रहा है। पोस्टर पर कमेंट करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, वाह घातक लुक पृथ्वीराज सर। तो वही एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, पृथ्वीराज सुकुमारन द ब्रांड। तो वही एक और सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया है कि अगर विलन ऐसा दिख रहा है तो जरा इमेजिन कीजिए कि हीरो कैसा दिखेगा। तो वही एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, आखिरकार अच्छी मूवी आने वाली है। एक यूजर ने कमेंट किया है कि बॉडी का हर पोर्शन हिला डाला इस पोस्टर ने, सोचो मूवी क्या करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि सलार तेलुगु सिनेमा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विजय किरगुंदर होमले फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में प्रभास और फिल्म राज सुकुमारन के अलावा श्रुति हसन और जगपति बाबू भी अहम किरदार में होंगे। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज डायरेक्टर प्रशांत नील की ये पहली तेलुगु फिल्म है और गुड न्यूज ये है कि इसे हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। अब आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।